यमुनानगर के गांव कैल में एक नवजात शिशु मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक एक राहगीर को खेतों से बच्चे के रोने की आवाज आई। वहीं तलाशी लेने के बाद झाड़ियों में एक महीने का नवजात बच्चा मिला, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि बच्चे के शरीर पर ऑपरेशन के निशान थे। पुलिस ने देरी ना करते हुए चाइल्ड लाइन को मौके पर बुलाया और बच्चे को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं डॉक्टरों ने बच्चे की नाजुक हालत को देखते हुए मासूम को PGI रेफर कर दिया। मुझे सदर SHO कुसुम जी का फोन आया कि एक बच्चा कैल के पास किसी जंगल उसमें मिला है, खेत में। उस बच्चे को लेके वो हॉस्पिटल में आए, तो मैं हॉस्पिटल में मैंने उस बच्चे को देखा। निकू सेंटर हॉस्पिटल जो जादरी का है वहाँ पे लेके गए। बच्चे का ऑपरेशन हुआ है, उसकी इंटेस्टाइन सारी बाहर थी एंड उसको इसी हालत में फेंक दिया गया है। वहाँ पे ये कहा गया कि यहाँ हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है, आप इसको यमुनानगर लेके जाइए। तो यमुनानगर में हम लोगों ने रात में निकू सेंटर में एडमिट किया है, लेकिन अभी उसको मुझे लगता है कि PGI शिफ्ट करना पड़ेगा, ये ऐसा डॉक्टर बता रहे हैं। इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था बच्चे को, सेप्टिक हुआ था, जिसका वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद शायद वो उसे शिफ्ट करेंगे। कितने महीने का बच्चा है? डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि एक लगभग एक महीने का है, 2-4 दिन 10 दिन ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, बट एक महीने का है बच्चा। मेल है अभी। प्राइम ऑफिस से तो ये लग रहा है कि क्योंकि उसमें मल्टीपल सर्जरीज की जरूरत है, जो उस बच्चे को प्रॉब्लम है, और डॉक्टर्स का ये कहना है कि इसमें मल्टीपल सर्जरीज की जरूरत पड़ती है, तो शायद इसी बात से तंग आके लोगों ने फेंक दिया होगा। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात माता पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर बच्चे के परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। पंजाब के CTV के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।